आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की क्रिश 4 के बारे में। ऋतिक रोशन के फैन उनकी फिल्म क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस के पास अब इसे लेकर उत्साहित होने का एक और कारण है, क्योंकि राकेश रोशन ने सुपर हीरो फ्रेंचाइजी के इस चौथे पार्ट के बारे में एक और खुलासा किया है। बड़े पर्दे पर सभी एक्शन सेट के अलावा फैंस ऋतिक रोशन को अपनी आवाज़ देते हुए और फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए गाना गाते हुए दिख सकते हैं। एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कहा कि फिल्म में संगीत एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इसी पर काम शुरू करना है। फिल्म की अंतिम स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद वह ऐसा करेंगे। सॉन्ग्स और म्यूजिक के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्रिश 4 जल्द ही रिलीज करना चाहते हैं। राकेश रोशन ने खुलासा किया कि उनके बेटे और मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन ज्यादातर गाएंगे। उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके द्वारा एक गाना फिल्म में जरूर गाया जाएगा। ऋतिक रोशन ने खुलासा किया है कि फिल्म पर काम अभी जारी है, और इसी के साथ ऋतिक रोशन की एक और फिल्म फाइटर भी जल्द रिलीज होने वाली है। इस वीडियो के डिटेल्स के लिए ऊपर दिए हुए वीडियो पर क्लिक करें, और इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।